रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ख्वाजा शायान और क्रिकेट स्पेशल विद एहतशाम उल हक में आप सबको वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज के हमारे टॉपिक्स बड़े मज़े के, बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं और हमारे साथ इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं एहतशाम उल हक साहब, जो कि हमें ज्वाइन करते हैं और क्रिकेट के जो इशूज़ हैं उनके ऊपर अपने एनालिसिस देते हैं, अपना तबसरा करते हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एशिया कप इंडिया से शिफ्ट होकर यूएई की जानिब चला गया, इसको डिस्कस करेंगे, इस पर एनालिसिस लेंगे। इसके अलावा हमारे यासिर शाह जो प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनका अनफिट होना, इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो प्रीवियस सीरीज थी 2016 में, उसके हवाले से लेके आगे जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का सीरीज स्टार्ट होनी है उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा सरफराज की कप्तानी के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की एक जो है वो डेब्यू टेस्ट, या पाकिस्तान जो पाकिस्तान की टीम है वो टेस्ट का जो है वो डेब्यू करवा रही है आयरलैंड का, उसके हवाले से बात करेंगे। और स्कॉटलैंड और पाकिस्तान की T20 के सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे, माइकल क्लार्क के कुछ स्टेटमेंट के हवाले से बात करेंगे और IPL इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। तो सर, एक तो ये लॉन्ग इंट्रो हो गया, लेकिन सबसे पहले आते हैं एशिया कप पे, जहां इंडिया, भारत जो क्रिकेट को मैं कहूं कि रिलीजन मानता है, क्रिकेट को वो फील करता है, खेलता नहीं फील करके खेलता है, सो इंडिया से शिफ्ट होकर यूएई पे चला गया। डू यू थिंक कि दिस इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट और डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट फॉर इंडिया अपेरेंटली, क्या कहेंगे इस बारे में? यू आर राइट शायान, जो इंडिया में क्रिकेट लवर्स हैं, जो स्पोर्ट्स लवर हैं, वो डेफिनेटली डिसअपॉइंट हुए होंगे कि एशिया कप जो है, खबर यह है कि वो इंडिया से अब यूएई में शिफ्ट हो गया है। सही। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी हठधर्मी है। अच्छा। कि पाकिस्तान की टीम को हमने इंडिया नहीं आने देना, उनके साथ हमने यहाँ पर इंडिया की सर एक तरफ अमन की बातें और दूसरी तरफ इस तरह की कुछ, यू आर राइट, डबल नहीं ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है लेड बाय नरेंद्र मोदी, और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो बिल्कुल बेबस है अपनी गवर्नमेंट के सामने। नेचुरली कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता है वो अपनी गवर्नमेंट के सामने बेबस ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी इतला है, मेरी नॉलेज है, कि जो इंडिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस हों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज़ हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं बकिया मैचेस भी हों। देखें ना, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो आप हॉकी खेल रहे हैं, अदरवाइज आप उसमें भी जो आपकी सोच और अप्रोच है वो सबको मालूम है। जब चैंपियंस ट्रॉफी है या वर्ल्ड कप है, कुछ भी ऐसे इवेंट्स हैं, उसमें जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता है वो आपको कबूल है, अदरवाइज आपको पाकिस्तान कबूल नहीं। तो ये डबल नहीं है, ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन गवर्नमेंट का। और मैं ऑनेस्टली शाबाश देता हूँ इंडियन कॉम को, इंडियन उन लोगों को जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो कहते हैं ये स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। वो मुझसे इत्तफाक करते हैं कि श्याम साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात की, या तो आप पाकिस्तान से खेलें ही ना, ख्वाह वो वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, टूर्नामेंट है, कुछ भी आप ना खेले, टीम तो पाकिस्तान की है ना। exactly. और उनकी तो इंडिया की टीम है। तो पाकिस्तान इस मामले में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसने कभी रिफ्यूज नहीं किया कि हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। ठीक है। लेकिन ये इंडियन गवर्नमेंट है वो रिफ्यूज करती, स्पेशली क्रिकेट को। तो मैं समझता हूँ बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे ये जान करके इंडिया में अब एशिया कप नहीं हो रहा, क्योंकि इंडिया के जो स्टेडियम्स होते हैं वो तमाशाइयों से खचाखच भरे हुए होते हैं और हाइप ही एक अलग होता है इंडिया, बड़ी जबरदस्त हाइप होती है। पाकिस्तान भी वहां होता, श्रीलंका भी वहां होता, बांग्लादेश भी वहां होता और जो टीम्स हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ लोगों की जो सोच है, जो मनफी और नेगेटिव सोच है, उसकी वजह से जो इंडियन तमाशाई हैं, जो अच्छी क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो इससे महरूम। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ज़हन में आ रहा है, एशिया कप है चूंकि, तो एशिया के किसी और हिस्से में लाइक श्रीलंका था, लाइक बांग्लादेश था, चलें पाकिस्तान में तो वैसे ही आपको पता है, अगर पाकिस्तान में एशिया कप होता मिसाल के तौर पे, अगर हो भी जाता, कभी वेस्ट इंडीज की टीम हाल ही में होकर गई है, सही, तो फिर इंडिया ने नहीं आना था कि जी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोलंबो में भी हो सकता था, श्रीलंका के और भी बहुत से मैदान हैं, बांग्लादेश में भी 3-4 स्टेडियम्स हैं, लेकिन यूएई का इन्होंने इंतखाब किया है, ये भी एक अच्छी चॉइस है, अच्छी सिलेक्शन है। लेकिन हमें
क्रिकेट को प्रमोट करना है, हमने अमन की बात करनी, हमने दोस्ती की बात करनी, हमने भाईचारे की बात करनी, हमने इन इश्यूज को हमने प्रमोट करना है। और क्रिकेट से बड़ा इशू है नहीं कि क्रिकेट के जरिए दोनों ममालिक के लोगों में आपस में हम आंगी बढ़े, दोनों ममालिक के लोग जो है आपस में उनकी दोस्ती बढ़े। हम तो चाहते हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान भी आए, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया भी जाए, लेकिन अब इंडिया का पाकिस्तान आना जरूरी है। जरूरी इन अ सेंस है कि जो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने नजम सेठी के साथ, तो उसमें यह तय था कि जो बायलैटरल सीरीज है उसमें 4 बायलैटरल सीरीज जो है वो पाकिस्तान में होंगी, या पाकिस्तान का जो न्यूट्रल वेन्यू है यूएई वहां होंगी, और 2 सीरीज जो है वो इंडिया में होंगी। लेकिन इंडिया उससे बैक आउट कर गया। इंडिया से मुराद जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है या इंडियन गवर्नमेंट है वो उससे बैक आउट कर गई। और अभी ये जो एशिया कप की खबर है ये बहुत बड़ी खबर है कि अब ये इंडिया की बजाय यूएई में इसका इनेकाद होगा, तो ऑनेस्टली मुझे दुख हुआ है। हमें पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को, पॉलिटिक्स को क्रिकेट को, पॉलिटिक्स को हॉकी को, पॉलिटिक्स को टेनिस को, पॉलिटिक्स को कबड्डी को, पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को सेपरेट रखना चाहिए। बिल्कुल एब्सोल्युटली सेपरेट होना चाहिए। पॉलिटिक्स की अपनी डायमेंशंस हैं और डोमेन्स हैं, इसी तरह जो स्पोर्ट्स है उसकी अपनी डायमेंशंस या डोमेन्स हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग खबर है। व्हाट यू थिंक, क्या सिर्फ यही वजह आपको, ये तो आपके शायद आपका जाती ख्याल हो या पाकिस्तान के लोगों का ये ख्याल हो कि पाकिस्तान की टीम चूंकि भारत ना जाए तो इस वजह से उन्होंने यूएई की तरफ वो इसको शिफ्ट कर दिया। What do you think के कोई और रीजन हो सकती है, कोई टेक्निकलिटी रीजन या कोई तो रीजन, एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट ने कोई तो रीजन पेश की होगी? अभी उनकी कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल आई नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई और रीजन हो भी नहीं सकती, और रीजन हो ही नहीं सकती। सही, देखो ना आईपीएल वहां पर हो रहा है, वहां दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग हुआ उसमें दुनिया भर के प्लेयर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यूएई में भी किया, लाहौर और कराची में भी किया, फिर वेस्ट इंडीज की टीम भी आई। तो दुनिया भर के जो क्रिकेटर्स हैं वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों लीग्स में नहीं कर रहे बल्कि दुनिया भर में जहां भी लीग्स खेली जाती हैं वहां पर अब जो फॉरेन के प्लेयर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं ऑनेस्टली जो आपसे बात कर रहा था ऑफ देयर भी हम आपस में बात करते, ये होना नहीं चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यासिर शाह है इसकी कमी तो बड़ी शिद्दत से महसूस होगी, इवन आयरलैंड में जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेला और उनका डेब्यू होगा और हिस्ट्री में पाकिस्तान का नाम भी आ जाएगा कि आयरिश टीम ने जब अपने टेस्ट करियर का आगाज किया तो उसका जो पहला टेस्ट मैच था वो वर्सेस पाकिस्तान हुआ। ये एक हिस्टोरिकल बात होगी, बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ यासिर शाह का बहुत बड़ा लॉस है। ऑलरेडी जहां तक मुझे याद है सुहेल खान जो है वो भी अनफिट है, और सुहेल खान के अलावा रोमान रईस है वो भी अनफिट है, और एक दो और भी जो प्लेयर्स हैं वो भी अनफिट है, इमाद वसीम अनफिट है। तो पाकिस्तान के 3-4 मेन प्लेयर्स ऑलरेडी अनफिट हैं जो कि इस कैंप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जो कैंप लाहौर में लगा। तो सर ये 22 करोड़ आवाम में से हम 5 से 6 कुछ प्लेयर्स के ऊपर इतना इनसार करते हैं कि हमारे पास उस लेवल के वो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स नहीं है। आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया है, 20-22 करोड़ का यह मुल्क और हमें एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं मिला। सईद अजमल के जाने के बाद, हफीज पे बैन लगने के बाद हमारे पास एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है, और टेस्ट मैचेस में या वन डेज में इवन T20 में ऑफ स्पिनर की बहुत अहमियत होती है, बड़ी अफादियत होती है स्पेशली वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स। तो मैं समझता हूँ बिलाल आसिफ को इन्होंने कैंप में बुलाया हुआ है, आई डोंट नो कि उसको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी वो स्पाय का बॉलर मुझे दिखाई नहीं दिया, यू नेवर नो कि वो बड़ा अच्छा बॉलर फ्यूचर में हमें बनकर दिखा दे, लेकिन अभी तक मुझे उसमें वो बात दिखाई नहीं दी जो थ्रेटनिंग बॉलर होता है। सही, मतलब सईद अजमल आता था ना तो बैट्समैन को एक थ्रेट होती थी कि सईद अजमल आ गया, हफीज आ गया, हफीज गेंद को पुश करता था, सईद अजमल गेंद को फ्लाइट देता था, तो वो एक थ्रेटनिंग बॉलर थे। फिर हफीज जो था वो नई गेंद भी कर लेता था, और वो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट स्पेशली बड़ी अच्छी नई गेंद हफीज करता था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत दुख और अफसोस की बात है कि 20-22 करोड़ का जो मुल्क है उसमें हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक भी जेन्युइन ऑफ स्पिनर मिला नहीं है। मैं उस वक्त ये बात किया करता था शायान जब सईद अजमल पीक पर था कि सईद अजमल भी तो गोश्त पोस्त का बना हुआ इंसान है, हफीज भी तो गोश्त पोस्त का बना हुआ इंसान है, ये अनफिट भी हो सकते हैं, ये बीमार भी हो सकते हैं, कोई और रीजन भी इनके साथ हो सकती है, तो इनकी रिप्लेसमेंट तो ढूंढ कर रखनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी सोच ही नहीं है, कंसिडर नहीं करते, कंसिडर नहीं किया। और अब जो है वो
अब कह रहे हैं कि काशी भट्टी को ले आए तो शादाब को ले आए और अब वैसे से एक्सपेरिमेंट एज यूजुअल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिसमें कामयाबी नाकामयाबी का रेशो मतलब हम लोग लाइक रेशो भी या एक प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा क्योंकि प्लेयर्स कोई हम लोग को वो फर्म प्लेयर्स नहीं हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये स्ट्रॉन्ग लिंक है वो हमारे स्पिनर्स हैं बेशक हमारे पास अब स्पिनर्स में भी कमी आती जा रही है हमारे पास अब फास्ट बॉलर्स हैं दो तीन फास्ट बॉलर्स हैं जिन पर टीम जो है वो डिपेंड करती है लाइक मोहम्मद आमिर है हसन अली है मतलब अभी दो तीन हैं अच्छे बॉलर्स हैं हमारे पास लेकिन जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है ना टेस्ट मैच में कि एक इनिंग्स में चार आउट किए एक इनिंग्स में पांच आउट किए एक इनिंग्स में छह आउट किए सही वो मैच विनिंग बॉलर होता है एक इनिंग्स में एक दो तीन आउट करने से या तो कोई ऐसा बॉलर ले आए जैसे शोएब अख्तर था अगर वो आउट नहीं करता तो एटलीस्ट जख्मी करके जख्मी थ्रेट था लेकिन शोएब अख्तर ने आउट भी किया नहीं नो डाउट शोएब अख्तर तो 161.3 इज अ वेरी बिग स्पीड से भी गेंद की रिवर्स स्विंग भी की स्पेशली वर्सेस इंडिया मुझे याद है थ्रेटनिंग बॉलर वो लाइक शेर नहीं होता लाइक डिलीवर किया एंड लाइक बड़ा जबरदस्त गेंद करता था लेकिन हमारे पास एट प्रेजेंट जो फास्ट बॉलर्स की भी लॉट है शायान ऑनेस्टली उसमें मुझे एक भी नॉट अ सिंगल वन एक भी बॉलर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो पांच या छह विकेट लेने के नॉट इवन इरफान नहीं नहीं कोई भी नहीं कोई भी थ्रेटनिंग के हवाले हमारा जो वीक लिंक है ना वो टेस्ट मैचेस है हम वन डेज में टी ट्वेंटी में कवर कर जाते हैं ठीक है टी ट्वेंटी में एक बॉलर ने चार ओवर्स किए शादाब वहां पे कवर हो जाता है शादाब वन डेज में भी फंस जाता है वहां दस ओवर्स करने पड़ते हैं तो उसको मुश्किल पेश आती है कि 10 ओवर्स में कैसे करूं उस लिहाज का स्टेमिना या वो देखिए ना आप आपके पास वैरायटी चाहिए exactly. आपको जो बैट्समैन है उसके प्लस माइनस पॉइंट्स को रीड करना होगा फिर जाकर आप कामयाब होते हैं फिर 10 ओवर्स आपके कोटे पर हैं तो आपने तीन स्पेल्स में 10 ओवर्स करवाए दो स्पेल्स में करवाए तो कप्तान की जवाबदेही है तो मैं ये समझता हूं कि हमारा जो टेस्ट मैच का जो लेवल है जो पाकिस्तान टीम का वो बहुत वीक है बहुत वेरी फ्रैंक बहुत वीक है हम टी ट्वेंटी में नंबर वन है दुनिया के इसमें कोई शक नहीं टेस्ट मैच में हम उतनी डाउनफॉल हम टेस्ट मैच में बहुत नीचे लेवल पे से। और आपने जो सरफराज की कप्तानी की बात की थी उसका वंस अगेन एक इम्तिहान होने जा रहा है बहुत बड़ा बहुत और बहुत कड़ा इम्तिहान आपने सही लफ्ज यूज किया बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान है वर्सेज आयरलैंड कि वो कैसे ही कप्तानी करता है सरफराज की कप्तानी के ऊपर बात करेंगे लेकिन हमें लेना है कि यहाँ पे पहले छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहिएगा टेक अ ब्रेक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पीआईडी के करप्ट अफसरान के तावन से ये सारा धंधा जारी रहता है जी ये जो धंधा है ना ये मुकमुका का धंधा है कि पनामा के मामले में आर्मी ने जो है उनकी फेवर भी नहीं की और मुखालफत भी नहीं की गिरफ्तार किया जाए ये प्रोटोकॉल किस्म का साहब है ये नहीं होना चाहिए गुरु तो धंधनाते फिरते हैं गुरुओं पर तो आपने अभी तक हाथ नहीं डाला क्यों निकाला उसका जवाब उन्हें इस साहब कोर्ट से मिलेगा पहले था एक जरदारी सब पे भारी हुन के सारे नाल यारी वो ईंटों से ईंटें जो उसने बजाई थी तो अब जोड़ दी उसने मियां साहब एंड फैमिली का जवाल शुरू हो गया ये अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं आपने भी अपनी कब्र में जाना है ये अपनी अपनी कब्र में जाना है हाँ। ये तो नहीं था ना पता कि टमाटर काला कलू हो जाएगा अजीब शेर है सब्जी भी खा जाता है वो जो एक चेहरा है ना जो सियासतदानों का एक मैं तो उसको मकरू चेहरा जरूर कहूंगा कि यूथ हमारी बड़ी जज्बाती ओए मैं मार दवांगा ओए मैं कर दवांगा कर कुछ नहीं खुदा के लिए ना करदा गुनाहों की सजा में मुजरम ना बने उनको अवाम ने इंतखाब किया है तो वो अवाम के लिए कुछ करें वेलकम बैक व्यूवर्स बात हो रही है क्रिकेट के कुछ सब्जेक्ट्स कुछ टॉपिक्स के हवाले से और फिल वक्त जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले वो सरफराज की कप्तानी के हवाले से बात कर रहे थे सर व्हाट डू यू से अबाउट आप कह रहे थे सरफराज की कप्तानी के हवाले से आप कुछ अपने एनालिसिस पेश कर रहे थे बहुत बड़ा इम्तिहान है बड़ा कड़ा इम्तिहान है सरफराज का ऑनेस्टली जो उसकी परफॉर्मेंस है ना विद द बैट विद द ग्लव्स और इवन एज एन कैप्टन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर एक सवालिया निशान अब लग गया
अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या सरफराज की पाकिस्तान टीम में भी जगह बनती है या नहीं बनती। बहुत बड़ा और बहुत देखे वो बात लोग ठीक कर रहे हैं, वो इसलिए ठीक कर रहे हैं कि आप छठे सातवें नंबर पे बैटिंग के लिए आ रहे हैं, उसके बाद विद द ग्लव आप कैच छोड़ रहे हैं, आप स्टंप मिस कर रहे हैं, और फिर आप एज अ कैप्टन जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बड़ी नामुनासिब लैंग्वेज है। या तो ये हो ना कि आप सिंगल हैंडेड मैच जितवा रहे हैं पाकिस्तान को अपनी हाँ। बैटिंग से अपनी परफॉर्मेंस, फिर आपके ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है? फिर इवन देन नहीं है, मतलब एथिकली तो नहीं है, लेकिन ऑन वन मोड हम कह सकते हैं चलो कि ये बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, हम मोर देन 100% दे रहा है विद द बैट विद द ग्लव एज एन कैप्टन, कोई ऐसी बात उसमें मैंने मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत संजीदगी के साथ हमारी इन सजेशंस को लेना होगा, इस राय को लेना होगा कि क्या सरफराज अहमद कप्तानी के लिए फिट है, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस और वन डेज, इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इवन T20 के फॉर्मेट से भी मैं उसकी जो कप्तानी उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि 2019 का वर्ल्ड कप भी शायान सर पर आया हुआ है और उसमें कप्तान का बहुत बड़ा किरदार होता है, बड़ा क्लीदी किरदार होता है कप्तान का, वो लीड करता है ना फ्रंट से। सर बहुत भारी जिम्मेदारियां आ रही हैं, बड़ी मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम को बल्कि पीसीबी को सोचना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि क्या सरफराज अहमद को ही कप्तान रखना है या उसको चेंज किया जाए। इन माई ओपिनियन जो मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी है एज अ कैप्टन एज अ बैट्समैन एज अ विकेट कीपर वो बड़ी डिसअपॉइंट है, बड़ी मायूस। ये तो नहीं कि अगर सरफराज को कप्तानी से हटा दिया जाए तो क्या वो इतने डिसहार्ट या डीमोटिवेट हो जाए क्योंकि परफॉर्मेंस और बदतर हो जाए? उनकी परफॉर्मेंस अभी है ही नहीं है तो उससे और क्या बदतर होगा, मतलब वो बैटिंग ही नहीं करने आते, वो छठे सातवें नंबर पर बैटिंग के लिए आते, कह के उनको पुश कर करके कभी वो चौथे नंबर पर आ जाते हैं, तो इस तरह तो फिर क्रिकेट नहीं होती ना। जो कप्तान होता है उसको तो फ्रंट से दिलेरी के साथ समझदारी के साथ जैसे कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यस ये exactly. ये अंग्रेजी का ये जुमला बिल्कुल ठीक जुमला है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए। देखो ना उसने वन डेज में ओपन आके जहां तक मुझे याद है सेंचुरी बनाई हुई है और जब से वो कप्तान बना वो डिफेंसिव मोड में चला गया, वो अपने आप को बचाता है कि मैं आउट ना हूं या मैं गेंद पुराना हो जाए तो मैं 20-25 रन करूं नॉट आउट जाऊं मेरी एवरेज भी ठीक हो जाए। जैसे पाकिस्तान तो वैसे बड़े एक्सपेरिमेंट करता है तो कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट ही एक दफा ऊपर तो लेके आके देखें? नहीं वो तो खुद कप्तान है ना, वो खुद कप्तान है मिकी आथर, उसको तो खुद ओपन करना चाहिए वन डेयर्स में और T20 के फॉर्मेट में। टेस्ट मैचेस में मैं नहीं कह रहा कि वो ओपन करे, ओपन करे वो, लेकिन वन डेयर्स में और T20 में उसको ओपन करना चाहिए, बिल्कुल उसको T20 ओपन करना चाहिए, लेकिन उसकी सोच अप्रोच सबके सामने, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा उसकी कप्तानी पीसीबी के लिए और सरफराज के लिए। सरफराज वर्सेस आयरलैंड एक टेस्ट मैच है, वर्सेस इंग्लैंड दो टेस्ट मैच है, जो लास्ट टूर था ना पाकिस्तान का 2016 में चार टेस्ट मैचेस थे, यस दो पाकिस्तान ने जीते थे और दो इंग्लैंड ने जीते थे और वो टेस्ट मैचेस दो दो से वो सीरीज ड्रॉ हो गई थी और अब तो मिसबा यूनिस और यासिर दिलों नहीं है। अच्छा ये वो टेस्ट मैच था जब पहला टेस्ट जो पाकिस्तान की टीम जीती थी तो फिर मिसबा ने वो पुशअप्स निकाले थे जब ट्रेंड सेट हो गया जब आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बाद पीएमए काकूल से वो लोग गए थे तो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया था, फिर और प्लेयर्स ने भी पुशअप्स निकाले थे, तो पुशअप्स निकालने पे भी बहुत से लोगों को तकलीफ हुई थी कि पुशअप्स ये क्यों निकाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ना मिसबा है ना यूनुस खान है ना यासिर शाह है, तो इनकी अदम मौजूदगी में अब देखना यह है कि जो कैप्टन होंगे सरफराज वो लीड कैसे करते हैं, टीम कौन सी वो पिक करते हैं, प्लेइंग 11 का इंतखाब वो कैसा करते हैं और मिकी आथर कैसे करते हैं। एक बात जरूर शायान मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें सरफराज की कप्तानी का और उसकी तमाम परफॉर्मेंसेस पर भी नजर होगी जो माजी में भी हम नजर रखते थे, इवन जो कोचिज की टीम वहां पर मौजूद है, जो कोचिज की टीम आयरलैंड में इंग्लैंड में मौजूद होगी उनकी परफॉर्मेंस पर भी नजर होनी चाहिए कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप वीक टीम के खिलाफ जीत जाए आप आउट कर लें आप रन्स बना लें और आप कहें जी बल्ले बल्ले सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट आप खेलेंगे, इंग्लैंड की टीम है, इंडिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, ये स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, तो इनके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये देखना होगा। तो मैं समझता हूँ कि कैप्टन की तमाम प्लेयर्स की और तमाम जो
जो मैनेजमेंट मौजूद होगी, जो कोचिस की एक पूरी की पूरी टीम मौजूद है, जो इस गरीब मुल्क का लाखों रुपया पर मंथ ले रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी पूरी कॉम जो है वो क्लोजली एग्जैक्टली सर ये मतलब हम सब हमारी पूरी पाकिस्तान की आवाम इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, तो हम चाहते हैं कि आउटपुट में भी हमें कुछ देखने को मिले, और हमें आउटपुट में ये देखने को मिल रहा है कि लाइक सरफराज कैप्टनशिप सही नहीं निभा रहे हैं, परफॉर्मेंस सही नहीं हो रही। दूसरी तरफ अगर बात करें लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, एग्जैक्टली उसकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आदमी डिसहार्ट हो जाता है, उसको यही कह सकते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो मुनासिब ही नहीं है। तो मतलब उसको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल करे, परफॉर्मेंस अपनी इंक्रीज करे, एग्जैक्टली परफॉर्मेंस एनहांस करने की कोशिश करे, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली कहते हैं ना कि ग्रेट पावर बिकम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके ऊपर जो है वो कैप्टनशिप दे दी गई, आपको एक लकब दे दिया गया कि आप पाकिस्तान की कप्तानी करें, तो आप फिर आपका फर्ज है, आपका ऑब्लिगेशन है कि आप उसी तरीके से परफॉर्म करें। परफॉर्म कर देखे ना, आपने अगर सीखना है तो फिर मिसबा से सीख लें, एग्जैक्टली यूनुस से सीख लें, आफरीदी से सीख लें, अजहर से सीख लें, हफीज से सीख लें, एग्जैक्टली माजी के जो हमारे ग्रेट कैप्टन इमरान खान, इमरान खान से सीख लें, ज़हीर अब्बास से सीख लें, मुश्ताक मोहम्मद से सीख लें, हमारे जो बहुत से ग्रेट कैप्टन गुजरे हैं माजी के, कभी किसी ने ऐसी लैंग्वेज ऐसी बातें बिहेवियर अपना ऐसा शो नहीं किया, बिहेवियर शो नहीं किया जैसे आजकल के प्लेयर्स कर रहे हैं, जैसे आजकल के कप्तान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनसे भी सीखने की जरूरत है, जो माजी में हमारे ग्रेट जो जेन्युइन लीजेंड थे, जो जेन्युइन ग्रेट प्लेयर्स थे, जो आप बात कर रहे थे ना, अब दो टेस्ट मैच वर्सेज इंग्लैंड है, एक टेस्ट मैच वर्सेज स्कॉटलैंड आयरलैंड है, और दो टी20 के मैच स्कॉटलैंड के साथ, ये तो पाकिस्तान अच्छा नॉट इवन थ्री सर बेस्ट भी यू आर राइट। मतलब हंसी आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम से कम आयरलैंड के खिलाफ तो पूरी सीरीज खेल लेते, कोई स्केड्यूल तो नहीं है सर, ये कोई फर्म स्केड्यूल नहीं है, सीरीज खेल लेते, इंग्लैंड को कहते जी कि हम दो नहीं तीन टेस्ट मैचेस खेलेंगे, फिर स्कॉटलैंड को कहते कि हम दो नहीं तीन टी20 के मैचेस खेलेंगे। अब आयरलैंड के खिलाफ अगर ये फुल फ्लैश सीरीज खेलते तो फिर एक फायदा ये भी होता, जो मैं ऑन एयर विजन टीवी से कन्वे कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये पूरी सीरीज खेलते और फिर उनको राजी करते, कन्विंस करते कि आप भी पाकिस्तान आए और पूरी सीरीज खेले। ये टी20 के तीन मैचेस खेलना, पांच मैचेस खेलना, अब बात इससे आगे निकल जा चुकी है। तो जब तक फुल फ्लैश सीरीज खेलने के लिए कोई इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे उस तरह नहीं खुलेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं कि फुल फ्लैश सीरीज जब तक नहीं होती। और पर्सनली आई फील, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि जब तक पाकिस्तान सुपर लीग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं होगी, कोई टीम शायद कॉन्फिडेंटली नहीं आई, कोई टीम बिल्कुल सही बात की, बहुत अच्छा खेलने के लिए पाकिस्तान ना आए, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर। और मैं ये कहता हूं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था, मालूम नहीं है क्या करते, ऑनेस्टली क्या करते, सिर्फ ऊंची ऊंची सीट पर बैठना और बाहर जाके बाहर के ममालिक में विजिट करना पाकिस्तान के पैसों के ऊपर, लेकिन हमारे सामने आउटपुट अगर ये शो हो रहा है तो हम तो हमें तो गुस्सा आएगा। शायान जो आप बात करके थे, हम भी एक आयरलैंड से टेस्ट मैच, उनसे तो पूरी सीरीज खेल लेते, और फिर उसके बाद स्कॉटलैंड से दो टी20 के मैचेस, माय गॉड, और फिर आप इंग्लैंड से दो टेस्ट खेल लो, उनको आप राजी कर लेते कि भाई हम तीन टेस्ट मैच खेल रहे, हम खेलना चाहते हैं। Exactly. तो कोई कंपटीशन तो बनता, कोई मुकाबला तो बनता, देखने को मिले। हम लोग तो वेरी सैड, बड़ा डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये जो आइटनरी मैंने देखी है वर्सेज आयरलैंड वर्सेज इंग्लैंड, टोटली डिसअपॉइंट हुआ मैं वर्सेज स्कॉटलैंड, ऑनेस्टली बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, डिसअपॉइंटमेंट ही डिसअपॉइंटमेंट। बहरहाल दुआ कर सकते हैं सर, बिल्कुल क्या कर सकते हैं। माइकल क्लार्क की सर बॉल टेम्परिंग के इशू के ऊपर जो है वो लाइक स्टेटमेंट है, या उनके स्टेटमेंट के मुताबिक जो है उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को बहुत अच्छा और बड़े पैमाने पे सर्व करना चाहते हैं, इस पे क्या एनालिसिस देंगे सर? मैं हाल ही में डेविड वॉर्नर और इनके आपको केसेस पता चला है बॉल टेम्परिंग के ऊपर, सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? मैं ये समझता हूँ कि माइकल क्लार्क एक्स कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम का, बड़ा जबरदस्त ये प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग ये प्लेयर, आउटस्टैंडिंग ये कैप्टन था, जिस तरह रिकी पॉन्टिंग वगैरह गुजरे हैं, टेलर वगैरह गुजरे हैं, पूरा ऑस्ट्रेलिया डिस्टर्ब है बॉल टेम्परिंग के इशू पर। तो उसने अपनी ऑफर दिया एक कि मेरी खिदमात अगर चाहिए तो मैं हाजिर हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं रीबिल्ड करूँ, ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं दोबारा से उठाने की कोशिश करूँ। तो उसने अपने आप को ऑफर किया है कि मेरी खिदमात अगर चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, मैं मौजूद हूँ। तो मैं समझता हूँ कि माइकल क्लार्क के अलावा जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं वो सब के सब ये चाहेंगे, दे आर वेरी प्रोफेशनल नो डाउट, वो सब के सब ये चाहेंगे, जो क्रिकेटर्स हैं वो भी, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी, जो पूरी नेशन है,
कि हमने अपनी टीम को अपलिफ्ट करना है, yes. हमने ऑस्ट्रेलियन टीम का मोरल हाई करना है। जाहिर सी बात है, इस तरह के सिनेरियो के बाद तो एक कॉन्फ्लिक्ट या एक डीमोरलाइजेशन का प्रोसेस डीमोरलाइज तो हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना इफ देयर इज विल देयर इज वे, यस। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनकी विल है और उनका वे भी आप देख लीजिएगा कि मुझे लग ऐसे रहा कि वो टीम रीबिल्ड होगी और इस दफा और स्ट्रॉन्ग और मजीद पॉलिश होके आएगी। लेकिन एक बात शायान, ऑनेस्टली ना उनको स्टीवन स्मिथ जैसा बैट्समैन मिलेगा ना वार्नर जैसा बैट्समैन, सर, लेकिन इनकी इनकी कमी तो उनको बड़ी शिद्दत से महसूस होगी। बहुत बड़े दोनों खिलाड़ी थे, स्टीवन स्मिथ तो ब्रैडमैन के बाद दूसरा बैट्समैन है जिसकी एवरेज उसके बाद है, yes. बहुत बड़े ये दोनों खिलाड़ी मेरे बड़े फेवरेट। लेकिन सर व्हाट आई बिलीव अपेरेंट, जैसे आपने कहा ना कि वो नाउ वी रिबिल्ड वाला सेंस आ जाएगा, व्हाट आई बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो देखे, आपने डोमेस्टिक की बात की, ऑस्ट्रेलिया में जो शेफील्ड शील्ड है शायान, जो प्लेयर शेफील्ड शील्ड खेल जाता है ना वो आप समझे कि ऑस्ट्रेलिया खेल गया, इतना उसका लेवल इतना हाई पे उसका, इतना हाई है उसका लेवल स्टैंडर्ड शेफील्ड शील्ड का। जो प्लेयर वो खेल जाता है ना तो ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि ये अब ऑस्ट्रेलिया खेल जाएगा, खेल। तो उनके पास प्लेयर्स पाइपलाइन में भी प्रॉबेबली हो सकता है कि वो डेविड वॉर्नर या क्या कहते हैं स्टीवन स्मिथ जैसे बैनक्रॉफ्ट जैसे प्लेयर्स अगर वो ना भी ला सके लेकिन वो इस वैकेंट स्पेस को रिकवर कर लेंगे। यू आर राइट, वो वैकेंट स्पेस को, क्योंकि सर वो बड़ा अच्छा बड़े अच्छे तरीके से रिकवर करना जानते हैं, वो प्रोफेशनल है ना। yes. एक बात तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त की है, उनके प्राइम मिनिस्टर को वंस अगेन दाद दूंगा, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को दाद दूंगा, पूरी नेशन को, इनकी फैमिलीज को। चीटिंग इज नॉट टॉलरेबल, चीटिंग हमें बर्दाश्त ही नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियंस ने कह दिया क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल। वो बॉल टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग मैच जीतने के लिए की है, हमारे यहाँ तो मैच फिक्सर्स भी है तो मैच फिक्स कर देते हैं, फिर स्पॉट फिक्सर्स भी है, फैंसी फिक्सर्स भी है, पता नहीं कौन कौन से फिक्सर्स यहाँ मौजूद है जो पीसीबी के साथ भी अटैच है, टीम के साथ भी अटैच है। उन्होंने बॉल टेम्परिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि आपने चीटिंग क्यों की है। तो जिस मुल्क का वजीर आजम की सोच ये हो, जिस मुल्क के नेशन की ये सोच हो, जिस मुल्क के क्रिकेट बोर्ड की ये सोच हो, जिस मुल्क की फैमिली मेंबर्स की ये सोच हो कि वो अपने घर के वाले बंदे से पूछे कि आपने चीटिंग की क्यों, आपको क्या जरूरत पड़ी थी ये चीट करने की, और ये फिर रोए हैं और आंसुओं से रोए हैं, नजर आ रहा था दिल से ना, उनके आंसुओं से, उनके फीलिंग्स, उनकी वो नदामत, बिल्कुल नजर आ रही, दिल से रोए कि हमने ये बड़ा गलत काम किया, हमने बड़ा गलत काम किया है और हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो सजा दी है, आईसीसी तो आई वॉश करती है ना, एक टेस्ट मैच का बैन लगा दिया, एक टेस्ट मैच का बैन आप क्या लगाते हैं भाई, आप उसमें 6 महीने साल का बैन लगाएं जो ऐसी हरकत करता है। लेकिन आईसीसी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हर एक पे नर्म हाथ रखते हैं, औला हाथ रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इन्होंने एक ये भी जो अच्छा फैसला किया स्टीवन स्मिथ ने, वार्नर ने, बैनक्रॉफ्ट ने, कि हमने अपील में नहीं जाना, Yes. कि हम पे जो एक साल का बैन लगा है, बैनक्रॉफ्ट पे 9 महीने का बैन लगा, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, yes. और हम अपील में नहीं जाएंगे। ये भी एक पॉजिटिव सोच है, positive कि हमने गलत किया है तो हमें सजा मिलनी चाहिए, हमने गलत काम किया है, हमने चीटिंग की है, हमने बॉल टेम्परिंग की है। और स्टीवन स्मिथ ने कहा कि मैं एज अ कैप्टन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ, और उनके कोच ने रेजिग्नेशन तक का दिया। डैरिल लीमैन ने कहा कि साउथ अफ्रीका में जो लास्ट टेस्ट मैच है मैं उसके बाद कोच नहीं होऊंगा, गो के मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन उसने भी रिजाइन दे दिया, वो भी अपने आंसुओं से रोया, आंखों से, कि भाई ये क्या हरकत हुई है। और वार्नर ने कहा कि मैं इसमें पूरी तरह मुलव्वस था, हमारे यहाँ तो लोग ही नहीं मानते, हमारे यहाँ तो गलत काम करने के बाद, हमारे यहाँ झूठे हैं ना सर, झूठे, हमारे तो गलत काम करने के बाद उसको सच में कन्वर्ट करने को, झूठ को इतना बोलते हैं कि सच में वो कन्वर्ट हो जाए कि नहीं यार ये सच बोल रहा होगा। तो ऐसे ना मुल्क बनते हैं, ना नेशन बनती हैं, ना टीमें बनती हैं। आप देखिए कि स्टीवन स्मिथ और वार्नर जैसा प्लेयर उन्होंने एक साल के लिए साइड लाइन कर दिया, तो वो फिर ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव बात है, इससे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को तो मैसेज दिया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, पूरी नेशन ने, ऑस्ट्रेलिया के तमाम टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को उन्होंने मैसेज दिया। लेकिन मेरी बात गौर से सुने शायान, उन्होंने पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को मैसेज दिया कि चीटिंग पर नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, चीटिंग के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। और अगर इनमें से किसी प्लेयर ने मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की होती तो फिर उसका क्या हाल होता, ये आप खुद सोच सकते हैं।
उनके कॉन्सिक्वेंसेज से तो हम बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल हमारा एंड बिल्कुल प्रोग्राम होने वाला है, IPL स्टार्ट होने जा रहा है, इसके हवाले से IPL स्टार्ट हो गया है? सॉरी हो चुका है और बकायदा तौर पे मोमेंटम जो है इसका वो खींचा जा रहा है, अब थोड़ा बन रहा है मोमेंटम। एक दो लाइन इसके बारे में कह दीजिएगा हमारे भारत की व्यूअर्स जो हैं वो। हाँ नहीं, अच्छे मैचेस भी कुछ हुए, राहुल ने बड़ी अच्छी एक मैच में 50 बनाई है, फास्टेस्ट 50 उसने बनाई है, तो कुछ मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हुए, बड़े दिलचस्प मैचेस हैं, लेकिन अब IPL जो है आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम उसका पकड़ रहा है और ऊंचा जा और हर टीम एफर्ट कर रही है कि वो मैच जीते, लेकिन इस फॉर्मेट में शायान 2-3 ओवर्स अगर बैटिंग साइड को मिल जाए उसको अपर हैंड मिल जाता है, और अगर बॉलिंग साइड को पहले 6-8 ओवर्स में 2-3 विकेटें मिल जाए तो उनको एज मिल जाता है, तो इसमें वो पश्तो में कहते हैं गलती गुंजाइश निश्ता। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छे मैचेस हो रहे हैं और जो अच्छी बात है कि क्राउड भी अच्छा आ रहा है, हम तो क्रिकेट की बात करते हैं। एग्जैक्टली, ख्वाह वो दुनिया के किसी मुल्क में किसी, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं सर, हम तो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम तो दोस्ती को, हम तो भाईचारे को, हम अमन तो को सपोर्ट करते हैं ना। Exactly. तो अगर IPL इंडिया में हो रही तो वी सपोर्ट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स वी सपोर्ट क्रिकेट, हम सपोर्ट क्रिकेट को करते हैं। देखिए ना, जो विराट कोहली है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ उसके रابطے हैं बड़े जबरदस्त, बड़े अच्छे रابطے हैं, मोहम्मद आमिर को बड़ी तारीफ करता है, प्रेज करता है, और इसके अलावा जो और क्रिकेटर्स हैं इंडिया के उनके हमारे प्लेयर्स के साथ हमारे लोगों के साथ बड़े अच्छे रابطے हैं मरासी में, तो यही मरासी यही ताल्लुक रहना चाहिए। ऑफ कोर्स इससे बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ ये ताबुन करता है। नाज़रीन, ये आज कुछ के हम कुछ हमारे टॉपिक्स थे, कुछ सब्जेक्ट्स थे रिगार्डिंग क्रिकेट, और उम्मीद करते हैं कि इससे इन इन इस तरह की इन्फॉर्मेशन से आप काफ़ी महसूस होंगे, आपने अपने आप को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मॉडिफाइडली किया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें दीजिए इजाज़त, सवालात ख़त्म हुए और ये टॉपिक्स ख़त्म हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Oh, ball in! Too quick for the left hander.